आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल आईक्यू टॉपिकल पर। देखिए, दुनिया में ऐसे कई टेस्ट होते हैं जो लोगों की आईक्यू की जांच करते हैं। इन टेस्ट में ऐसे सवाल किए जाते हैं जो सुनने में काफी आसान से लगते हैं, लेकिन जब इनका जवाब देने की बारी आती है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे भारत जैसे देश में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं। इनके एग्जाम काफी मुश्किल होते हैं। इन्हें क्लियर करने के लिए कई लोग कई कई सालों तक तैयारी करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आप कुछ सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल और उत्तर देखने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप होशियार हैं, तो इनके सही जवाब देकर दिखाइए। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं 1 से लेकर 100 की गिनती के बीच कुल कितने 8 अंक आते हैं? आइए जान लेते हैं। 1 से लेकर 100 की गिनती गिनने पर 8 कुल 20 बार आता है, और सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब राम की उम्र 8 साल थी तो उसके पिता की उम्र 31 साल थी। अब राम के पिता की उम्र राम की उम्र से 2 गुनी है, तो अब आपको बताना है कि इस समय राम की कितनी उम्र होगी? तो इसका आंसर है, इस समय राम की उम्र 23 साल होगी। क्या आपने भी इसका आंसर यही सोचा था या फिर कुछ और? क्वेश्चन नंबर 3, अगर रमा अपने स्कूल में 50वीं सबसे तेज और धीमी रनर है, तो उसकी क्लास में कुल कितने छात्र होंगे? क्या आप ये बता सकते हैं? तो आइए जान लेते हैं। रमा की क्लास में कुल 99 छात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 + 9 + 8 = 1, तो आप बताइए 2 + 8 + 9 कितना होगा? अगर आप पहले वाला पैटर्न समझ जाते हैं तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा 10। सामने इमेज पर आप देख सकते हैं कि 10 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक मीट की दुकान के मालिक ने 10 इंच के जूते पहने हुए हैं और उसकी खुद की लंबाई 5 फुट 10 इंच है, तो वो तराजू में क्या तौलेगा? सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है, ऑफ कोर्स वो अपने तराजू में मीट तौलेगा, क्योंकि दुकान मीट की है तो वो मीट ही तौलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रिज में रखा पानी ठंडा कैसे हो जाता है? फ्रिज का पानी तो हम सब पीते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो ठंडा कैसे हो जाता है? आइए जानते हैं। क्योंकि फ्रिज में अमोनिया गैस होता है, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी थी, दूसरे कमरे में हत्यारे थे, और तीसरे कमरे में बाघ जो 3 साल से भूखे थे। तो अब आप अपना दिमाग लगा के बताइए कि हत्यारे को किस कमरे में जाना चाहिए। हत्यारे को तीसरे कमरे में जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल से भूखे बाघ अब तक मर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम किसी को बिना पैराशूट के एरोप्लेन से बाहर निकाल देते हैं परंतु वो बच जाता है, तो आप बताइए कैसे? तो आइए जानते हैं कैसे, क्योंकि एरोप्लेन उस समय रनवे पर ही था। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप ये बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा गिरती रहती है लेकिन वो कभी टूटती नहीं? तो इसका सही जवाब है बारिश, जो हमेशा गिरती है लेकिन कभी टूटती नहीं है। अब आप इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बताइए, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में क्या ज्यादा भारी होगा? तो आइए फिर जान लेते हैं। दोनों बराबर भारी होंगे। भाई, 1 किलो का मतलब तो 1 किलो ही होता है, चाहे वो रुई हो या फिर कोई अन्य चीज। कहीं आप में से किसी ने लोहा तो नहीं सोच लिया था? देखिए, दोनों का वेट तो 1 किलो है, तो फिर कोई ज्यादा या फिर कम कैसे हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन आपने क्या सोचा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आज के क्वेश्चन आंसर्स आपने एंजॉय किए होंगे और आपको इन क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Ha!